फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान बुद्ध की और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध और भक्त किसान। तो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और भक्त किसान। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, मगर वह भक्त भी गए दिखाई नहीं दे रहा। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी। कैसा भक्त है, प्रवचन का आयोजन करने स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, किसान ने कहा। दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर उसे चिकित्सक के पास नहीं ले जाता तो वो नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुन्ना बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपके भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि आपके विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा बगैर बैल के प्राण निकल जाते, उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही बेहतर होता। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध और भक्त किसान, ये कहानी आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कीजिए।